हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक वाली जो वैकेंसी की मैंने बताया था कि आने वाली है, ठीक है, ये वैकेंसी आ चुकी है। देखिए, इसका नोटिफिकेशन निकल गया है। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नेवी CGEPT 1/2023 बैच है इसका, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म 2022, ठीक है। देखिए, ये 25 अगस्त 2022 को पोस्ट हुआ है, ठीक है। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए डेट देखिए आप लोगों का कब से कब स्टार्ट होगा अप्लाई करने का। देख लीजिए, 8/9/2022 से इसका डेट स्टार्ट है, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। और लास्ट डेट इसका जो है 22/9/2022 तक है, ठीक। यानी कि 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक इसका डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, एडमिट कार्ड देखिए क्या लिखा है, लिख रहा है नोटिफाइड सून, ठीक। एग्ज़ाम डेट देख लीजिए, यहाँ पर भी नोटिफाइड सून लिख रहा है। और इसमें देख लीजिए आप लोगों का फीस कितना लगेगा। देख लीजिए, जनरल OBC EWS का 250 रुपये लगेगा, SC ST का 0 लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का एज कितना होना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 22 साल, ठीक है। एज बिटवीन देख लीजिए यहाँ पर कहाँ कितने कितने से होगा, 1/5/2001 से लेकर के 30/4/2005 के बीच में होना चाहिए, ठीक, फॉर ICG नेविक एंड यांत्रिक के लिए, ठीक है, इस वैकेंसी के लिए इतना मांगा है, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल पोस्ट जो निकल के आया है इसका यांत्रिक नेवी का, ठीक है, 300 पोस्ट, ठीक, कोस्ट गार्ड का, ठीक, 300 पोस्ट टोटल है। अब यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग जो है कि पोस्ट का नाम है यहाँ पर दिया गया, किस किस पोस्ट का, पोस्ट में कौन कौन सा योग्यता चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया, देखिए नेविक जनरल ड्यूटी, ठीक है, GD के लिए 225 पोस्ट है, ठीक। इसमें 10+2 होना चाहिए आप लोगों का विथ फिजिक्स एंड मैथ के साथ, ठीक है, यानी कि साइंस साइड के साथ होना चाहिए इंटर, ठीक। और यहाँ पर देख लीजिए नेविक डोमेस्टिक ब्रांच DB के लिए 40 पोस्ट है, इसमें क्लास 10th हाई स्कूल यानी पास होना चाहिए आप लोगों का। और यांत्रिक के लिए 35 पोस्ट है, इसमें क्लास 10th होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ में आप लोगों के पास इंजीनियरिंग होना चाहिए या डिप्लोमा, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल से, ठीक, या तो मैकेनिकल से या तो इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, एंड टेली कम्युनिकेशन से, तभी आप लोग इसका अप्लाई कर पाएंगे यांत्रिक का, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल टोटल जो है पोस्ट वाइज, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, देखिए नेवी GD के बारे में, देखिए नेविक GD के बारे में UR का देख लीजिए 87 पोस्ट है, ठीक है। EWS का 23 पोस्ट है, OBC के 48 पोस्ट है, और ST का 32 पोस्ट, SC का 35 पोस्ट, टोटल यही 225 पोस्ट इसका GD का निकल के आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेविक DB में देख लीजिए जनरल का 16, OBC का 5, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए जनरल का 5 है, और EWS का ये OBC का 7 है, ठीक है, SC ST वालों का 3 है, ठीक, इसे इसमें यही 16 पोस्ट निकल के आया है, ठीक है। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल वालों को देख लीजिए, इसमें 3 पोस्ट है, ठीक। और यहाँ पर देखिए EWS का 0 है, OBC का 3 है, ठीक, यहाँ पर SC का 1 है, ST का 3 है, टोटल 10 पोस्ट इसमें निकल के आया है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और यहाँ पर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए जनरल का 4 है, EWS का 0 है, OBC का 2 है, SC का 1 है, ST का 2 है, ठीक, टोटल यही 9 पोस्ट निकल के यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आया, ठीक। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख लीजिए कितने स्टेज में होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर मतलब सिलेक्शन आप लोगों का 4 स्टेज में होगा, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। इसका जो है चार मतलब कि स्टेज में होगा इसका सिलेक्शन, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट स्टेज में जो आप लोगों का होगा वो रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड नेविक DB के लिए, ठीक है, सेक्शन 1 रिटन टेस्ट, ठीक है, सेक्शन 1 रिटन टेस्ट आप लोगों का होगा, मतलब कि सेक्शन 1 का सिर्फ आप लोगों को सिलेबस पढ़ना है इसमें, ठीक। अभी आगे हम बताएंगे सेक्शन 1 में कौन कौन सा आप सिलेबस है। देखिए यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं, इसमें देखिए नेविक GD के लिए आप लोगों का यहाँ पर देख लीजिए 30 नंबर आप लोगों का पासिंग मार्क होना चाहिए इन सब मतलब कि कास्ट के लिए, ठीक, EWS OBC के लिए, और SC ST के लिए सिर्फ 27 नंबर होना चाहिए मार्क्स, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो नेवी GD है JB इसका जो है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पढ़ना है, ठीक है, स्टेज, ठीक है, सेक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों सेक्शन का इसका तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30+20 यानी कि आप लोग इसमें 50 जो है मतलब कि पासिंग मार्क्स चाहिए EWS और OBC और UR वालों का, ठीक है, और 27+17 यानी कि इनका जो है 44 यानी कि SC ST वालों का चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेपरेट इन कंपल्सरी, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए यांत्रिक के लिए इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है, यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का इसमें तैयारी करना है, ठीक है। इसमें 50 नंबर लाना है EWS के लिए, और इसमें जो है 44 नंबर लाना है, वही जो ऊपर मैंने बताया इसके मुताबिक इसमें दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक वालों का, ठीक है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का मतलब कि फर्स्ट एंड फोर्थ सेक्शन दोनों का तैयारी करना है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए 50 नंबर लगेगा EWS OBC UR वालों का, वही इन सब जातियों के, ठीक है, और 27+17 यानी कि इसमें 44 नंबर इसमें दिए, ठीक है। और इसमें देख लिए यांत्रिक मैकेनिकल का फर्स्ट एंड 5th सेक्शन इसमें पढ़ना है, ठीक है, इसमें 50 इसमें 44, ठीक है, इसी तरह लगेगा सबके, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम जो है ये जो मतलब कि इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक, सेक्शन फर्स्ट जो सेकंड मैंने ऊपर बोला उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर देखिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट वालों में देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क आप लोगों का 60 नंबर का होगा, टाइम 45 मिनट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नंबर का होगा, ठीक है। मैथ का इसमें देख लीजिए 20 नंबर का होगा, साइंस का 10 नंबर का होगा, इंग्लिश का 15 नंबर होगा, रीजनिंग का 10 होगा, जीके का 5 होगा, ठीक। ये सेक्शन फर्स्ट वालों के लिए पासिंग मार्क इसमें तो 30-27 बोले हैं, क्लास 10 के हिसाब से इसका सिलेबस होगा, ठीक है। और जो सेक्शन सेकंड है इसका देख लीजिए, इसमें जो है 50 नंबर मैक्सिमम मार्क होगा, ठीक है। 30 मिनट का इसका टाइम होगा, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसका सब 50 होगा, ठीक है। मैथ का 25 नंबर होगा, फिजिक्स का 25 नंबर होगा, इसमें 20 नंबर लाना है OBC के लिए और EWS और कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसमें 70 नंबर लाना है, ठीक है, SC ST का, मतलब कि ये क्लास ट्वेल्व और मैथ है, फिजिक्स के सिलेबस इसमें होगा, ठीक है, क्लास ट्वेल्व के हिसाब से होगा इसमें, ठीक। और सेक्शन थ्री में देख लीजिए क्या क्या आएगा सब्जेक्ट, देखिए इसमें इसमें जो है मैक्सिमम मार्क 50 होगा, ठीक, और टाइम 30 मिनट होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के इसके इसमें जो है क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें जो है 20 नंबर लाना है, कम से कम 20 नंबर EWS UR और OBC के लिए, ठीक है, और 70 नंबर SC ST वालों के लिए, ठीक है। इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सिलेबस होंगे, ठीक है। और सेक्शन फोर में देख लीजिए, सेक्शन फोर में आप लोगों का मैक्सिमम मार्क आप लोगों का 50 होगा, ठीक है, और टाइम 30 मिनट का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसमें क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होगा, और जो है इसमें 20 नंबर लाने हैं कम से कम, और 70 नंबर SC ST वालों के लिए, ठीक है। इसमें जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक लेवल का इसमें सिलेबस होगा, ठीक है। और सेक्शन फाइव में देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क आप लोगों का 50 होगा, टाइम 30 मिनट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, ठीक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है, 20 नंबर इसमें EWS UR OBC के लिए लाना है, और 70 नंबर इसमें SC ST वालों के लिए लाना है, ठीक है। डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस इसमें होगा, ठीक है। तो इस तरह का इसमें आप लोगों का पैटर्न है सिलेबस का, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आगे, स्टेज सेकंड में देख लीजिए फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, फिटनेस वालों बात कर लेते हैं बात टेस्ट, ठीक है। देखिए 1.6 किलोमीटर रन, ठीक है, कंप्लीट 7 मीटर हम लोगों को करना है, ठीक है, और 20 स्क्वायर अप्स करना है, उठक बैठक, ठीक है, और 10 पुशअप करना है, ठीक है। इसमें उसके बाद आप लोगों का इसमें सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ठीक है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा अप्लाई करने के लिए, देखिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आप लोगों का क्लास एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए, ठीक है, और जो है क्लास 10 मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने बोला कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS के लिए, इसके इस ये जब आप लगाएं तभी आप इसमें एज में छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे, ठीक है। और नेवी GD कैंडिडेट्स के लिए देख लीजिए यहाँ पर क्लास 12 का मार्कशीट लगेगा, क्लास 12 का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और जो यही CGPA जो ग्रेड 12 के लिए अगर हो तो इसको लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। और यांत्रिक कैंडिडेट के लिए क्लास 12 मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12 सर्टिफिकेट, ठीक है, यही सीट ऑफ ऑल ईयर का, ठीक है, सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा का जो लगेगा इसमें टेक्निकल वालों का लगेगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों का ऑल ईयर का मार्कशीट इसमें लगेगा, ठीक है, सभी सालों का, ठीक है, और डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें, ठीक। देखिए एग्जाम कब को होना है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है, एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड का, ठीक है, यांत्रिक कैट लिखा है नेवी GD के लिए, ठीक है, और नेवी DB यांत्रिक तीनों के लिए, ठीक है। देखिए स्टेज फर्स्ट का जो इसमें होगा वो देखिए मिड जो है एंड नवंबर 2022, यानी कि नवंबर 2022 के मध्य में या अंतिम हो सकता है, ठीक है, इसका एग्जाम, ठीक है। और स्टेज सेकंड वालों का जो है, ठीक, इसमें मिड एंड जनवरी 2023, यानी कि जनवरी 2023 के अंत में या तो मध्य में हो सकता है, ठीक है। और स्टेज थर्ड वालों का अप्रैल अर्लियर मई, यानी कि अप्रैल के अंत में हो सकता है या तो मई के शुरुआत में स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है, 2023 में। तो यही था जो 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 है मतलब कि जो कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकल के आती है, ये थी वैकेंसी 2023 की, सॉरी 2022 की नई वैकेंसी, ठीक है। तो आप लोग अगर इसके इच्छुक हों, इसके आवेदित हों, तो आप लोग इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं इसके आगे का और जो प्रोसेस बताऊँ, ठीक है, इसका कब जो एग्ज़ाम होना, क्या इसमें जो सिलेबस के पैटर्न मतलब कि और डिटेल्स में जो समझाऊँगा उसका वीडियो जब बनाऊँगा मैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आप लोग इसका वीडियो पा सकेंगे, ठीक है।